enemies ahead. Oh, gadi. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। आप सब लोग आज अपन खेलेंगे स्नैक्स के साथ और एक गेम में बूम बम गेम्स लेंगे, जो वो आपने को देखने को मिल ही गया होगा प्री रोल में। और इसी के साथ अभी स्टार्ट करते हैं। अब हम उठ रहे हैं मिलिट्री बेस और ये तीन लोग पता नहीं ऑब्जर्वेटरी क्यों गए। मैं अपने लिए फैक्ट्री आ गया था, मेरे को एक्चुअली ऑफिस जाना था बट इट वॉज टू लेट टू गो ऑफिस। फिर अपन आ गए ऑफिस वगैरह लूट वूट के एकदम सी बिल्डिंग पुश करने के लिए स्नैक्स के साथ। और यहाँ पे आते ही अपन ऊपर जाके फर्स्ट नॉक यूएमपी से इसने अपनी पीठ दिखा दी थी। नॉक और फिनिश, अपन लोग फुल टॉक्सिक है तो ये नॉक फिनिश किया यहाँ पे। और उसके बाद मैंने दूसरे वाले बंदे को पहले लूटा थोड़ा, फिर मैंने सोचा दूसरे वाले बंदे को भी स्पॉट करते हैं। वो स्पॉट हो गया, फिर मैंने शूट वूट किया। फिर उसके बाद ये बंदे, अब मैंने ट्राई किया कि एसएलआर से मारूं, कहीं कहीं ना कहीं पीक ले ले, एक टैप लग जाए, हेड शॉट लग जाए, कहीं से नॉक हो जाए। मैंने ट्राई किया पर कोई नहीं मिला। फिर अपन ब्रिज पे आ गए। ब्रिज पे आते ही अपन को ये मीटअप वाला स्कैम था, जंप कर रहा था बंदा और जैसे ही उसको देखने लगे उसके बाद बंदे शूट करने लगे अपन को। यहाँ पे अपन ने अपनी गाड़ी रोक ली, स्नैक का कॉल आया, ऊपर वाले को नॉक करने का फुल ट्राई किया बट किसी और नहीं कर दिया था। फिर मैंने देखा कि एक ग्रेनेड डाल दे और मैंने यहाँ पे कुक नहीं किया, एक्चुअली नेट डाल दिया। ऐसे ही अपने आप वहाँ पे उनके मुँह पे कुक हो जाएगा ऐसे सोच के फिर मैं यहाँ रुक गया। मैंने सोचा कि ऊपर जाता हूँ। स्नैक जब तक चला गया था, स्नैक ने पीक लिया और शायद उसने एक को भी नॉक नहीं किया और वो नॉक हो गया। मैं गया, मैंने स्नैक को बचाया पहले और इसको हील किया फटाफट, मतलब रिवाइव दिया एक्चुअली। और नीचे एक और बंदा था जिसको अपन मारना था, तीन बंदे नॉक, दो यहाँ पे नॉक पड़े थे और एक और अभी शशांक ने नॉक किया था। सो आई वॉज लुकिंग फॉर द लास्ट गाय बट वो लास्ट गाय नीचे था। स्नैक्स कूदने का ट्राई किया बट नॉक मैंने फाइंड, मतलब ढूंढ दिया उस बंदे को और नॉक कर दिया फटाफट और फिर अपने टीम मेट को रिवाइव दे दिया। अब इसके बाद अपन आ गए पेट्रोल पंप के साइड। निकलने के बाद शायद लगा हमको बॉट है, फिर पता चला वो रियल बंदा है जब हमको शूट करने लगा। और मेरी एचपी तो भाई उसने लिटरली 20 कर दी थी ऑलमोस्ट। फिर मैं उतरा और जाके यहाँ रेलिंग के पास बैठ गया क्योंकि मेरे को हील करना था एंड मैं हील करने के लिए बैठ गया। यहाँ पे मैं हील कर रहा टांगों पे दे। और हील करने के बाद ये इन लोगों ने पुश कर दिया था तो मैं वेट कर रहा था। मैं कोई और एंगल बना रहा था, वेट कर रहा था तो इनको बैकअप दे दूँ पर एक्चुअली बैकअप देने के चक्कर में स्कैम हो गया। यहाँ पे नेट वेट डाले मैंने पर ये सब लोग कैंप कर रहे थे स्टीम स्नाइपर कैसा है। और भाई शशांक को तो पूरा डाल दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे रिवाइव दिया जब तक मैंने फिनिश किया, हमारे टीममेट को भी फिनिश कर दिया था। तो मैंने सोचा लास्ट बंदे को मैं मार देता हूँ, बेटा वही था लेजेंड अपना, उसको मारा। फिर यहाँ पे मैं रिवाइव देने बैठ गया और अपन फुल अपन इस बूम बम इसको रिवाइव दे रहे थे। रिवाइव देते देते मैं देख रहा लूट लूट लूट। फिर निकलने का ट्राई किया, हील कर ही रहा था जब तक एक नेड़ फटा। अब ये जैसे ही नेड़ फटा मैंने देखा कहाँ पे बंदा, मैं पीछे आया, मैंने देखा, फिर मैंने मेरे को बंदा दिखा और मैंने स्प्रे किया, स्प्रे में दूसरा भी बंदा आ गया और उसके बाद रीलोड किया मैंने और तीसरा बंदा मेरे को पीछे दिख गया। पता ही है तुम्हारे भाई का स्प्रे। और फिर तीसरे को भी मर गया और स्नैक वैक्स सब एकदम ओपी ओपी बोलने लग गए लोंडे फुल बूम बम। यहाँ पे अपन ने लूटा थोड़ा बहुत लूटा, ऐसा कुछ बेसिक लूट कर ली। फिर वापस गाड़ी पे आए और अपन निकल गए आगे बंदों को ढूंढने। और यहाँ पे अपन एसएलआर वैसएलआर लेके घूम रहे हैं और यहाँ पे अपन आ गए और यहाँ पे गाड़ी स्पॉट की स्नैक में तो फिर अपन गाड़ी ढूंढने लगे, गाड़ी वाले बंदे दिखते हैं और भाई ये एक बंदे को छोड़ के चले गए। और ये बंदा स्कैमर फुल लैग हो रहा है भाई, मेरे आगे से टेलीपोर्ट होके तीन बार गायब हो गया। फिर मैंने सोचा आराम से मारते वो कैम कर रहे और फिर खेल दिया मैंने उसको। फिर मैं यहाँ पे फुल टॉक्सिक होते हुए फिनिश कर रहा हूँ लॉन्डो को और यहाँ पे दूसरे को भी फिनिश किया। फिर मैंने सोचा अब यहाँ पे कौन ही आएगा, 21 बंदा लाइव है और ये थर्ड जोन है ऑलमोस्ट, तो सारे कोई आएंगे नहीं है। मैं यहाँ पे जिस तरह से ट्राई कर रहा था फिनिश करने का, बहुत मेहनत लग गई एक्चुअली मेरे को फिनिश करने में बट हाँ फिर भी फिनिश कर दिया मैंने, गिली उठा लिया कहते हैं। और फिर मैंने देखा एमके वाई नॉट ब्रो, एमके इज ओपी, मतलब फुल बूम बम करेंगे अपन एमके से। एमके उठाई, फुल रीलोड वीलोड किया। फिर मैंने सोचा चलो गाड़ी लेके चलते हैं अपन जोन में। जब तक यहाँ पे मैं आगे गया, हील वील किया, फुल बूस्ट हो रहा था क्योंकि
व्हाई नॉट, अपने पास बूस्टर बूस्टर लूट लूट के एक्स्ट्रा है, बाद मजा फुल आएगा। बूम बाम अपन यहाँ पे सब गाड़ी में बैठ गए थे, और गाड़ी में जस्ट बैठा और आगे ले रहा था जब तक एनिमी साइड आया, मेरे को लगा ऐसे ही आया होगा, और फिर स्नैक्स ने कॉल आया यहाँ पे गाड़ी आ गई, गाड़ी जैसे ही देखी अपन उतर गए गाड़ी से, अपना थोड़े कंटिन्यू एक शॉट अब दो एक्सपर्ट दो बच्चे ऐसे ही डाउन, फिर रिलोड करके अपन तो भाई कंफर्टेबल एक और नॉक कर दे दिया अपन ने उसको, फिर वो दो गाड़ी वाले Zax भी लाइक मैंने लिट गया भाई, और तुम किल स्टील कर रहे हो, ऐसे तो नहीं होता, मैंने कहा ऐसे ही होता है ब्रो, और कैसे होता है। और यहाँ पे अपन के खाते में 4 किल हो गए थे, और यहाँ पे 13 किल थे अपने पास फुल बूम बम। और यहाँ पे अपन अभी मैं जा रहा हूँ जो हॉस्पिटल के पास जो स्क्वाड हाउस होता है उधर की साइड, वहाँ पे हमको बंदे स्पॉट हुए थे, और जैसे ही मैंने यहाँ पे रोका वो बंदा एक्चुअली बाहर ही खड़ा था सीमेंट पे, इधर फाइट चल रही थी, तो मैंने जैसे ही एक हेडशॉट दिया स्नैक्स ने उसको नॉक कर दिया एम4 पे, तो नॉक पास करने से एकदम बूम बम। फिर मैं रिलोड चला था जब तक मेरे को लेफ्ट से शॉट पड़ा, मैंने जब तक स्पॉट किया था उधर मैंने नॉक ही कर दिया, फिर मैंने एक और हेडशॉट मार दिया तो मेरे को लगा फिनिश हो जाएगा इजीली, फिर मैं यहाँ लेटा मैंने हील किया जब तक यहाँ पे अपने बंदों ने देख लिया स्पॉट वॉट कर लिया, और शायद उसको नॉक दे दिया था, हाँ नॉक दे दिया था, मैं हील वील ही कर रहा था फुल हीलिंग कर रहा था, बूस्ट हो रहा था फुल, फिर मेरे को बंदा देख रहा था मैंने उस पर पीक लिया मैं, तब उसने बोला शशांक ने ग्रीन के पास है, मेरे को दिखा नहीं पर मेरे को ऊपर वाला बंदा दिखा, मैंने सोचा ऊपर वाले को मार दिया, ऊपर वाले को जैसे ही मारना स्टार्ट किया एक हेडशॉट पड़ गया, स्नैक्स वाज लाइक रेडी विद कार, उसने एक नॉक निकाल दिया था, तो हम सीधा पुश किए। पर एक्चुअली सीन क्या था कि यहाँ पे हमको एक स्क्वाड ने ऑलरेडी घेर रखा था, क्योंकि वो स्क्वाड है उसको पुश करने वाली थी स्क्वाड, तो पीछे और बंदे थे, मैं नेट कुक कर रहा था पर मेरे को पीछे से शॉट करने लगे, मेरे को जल्दबाजी में नेट फेंकना पड़ा बिना कोई सही एकदम एम के, तो मैं गया पीछे देखने का ट्राई किया कोई नहीं, और यहाँ पे जाकर मैंने वापस नेट कुक किया, और ये नेट बहुत ही मस्त वाला नेट था क्योंकि ये बाउंस कराया मैंने दीवार पे, और जैसे ही बाउंस होके बाप सीधा उसकी टपली पे लगा, टपली पे लगती ये नॉक, और ये स्नैक्स ने कार निकाली, मैंने सोचा थोड़ी और पीछे लेगा पर अटका दिया मेरे को, फिर स्नैक्स के साथ अपन भी कुछ किए ऊपर, अपन को कोई दिखा नहीं, मैंने यहाँ से सोचा कि यहाँ से लूटन दे देता हूँ वो बंदे का है, और वो बंदे वहाँ पे थे वो हील हो रहे थे, फिर ये लोग गए नॉक हो गए, फिर दो बंदे दिखे अपन अपन फुल कॉन्फिडेंट और खेल दिया अपन ने, स्नैक्स बोलता है एकदम ओपी ब्रो, फिर मैंने देखा रिच से शॉट आ रहे हैं, मैंने बंदा देखा बंदे को टैप किया, एक टैप लगा दूसरा टैप लगा ही नहीं, रिच ग्लिच हो गया, फिर बंदे को शॉट ही नहीं लग रहे, फिर पीछे से एक और नेड आया, जैसे ही नेड आया मेरे को रियलाइज हुआ कहाँ पीछे बंदे थे ना यार, वो कहाँ गए अपने, तो मैं ऊपर गया, मैंने सोचा स्पॉट करता हूँ, फिर ऊपर गए ही नहीं, फिर मैंने लेवल 3 का हेलमेट लिया, पीछे ऊपर देख रहा था यहाँ पे जाके गैरेज के ऊपर जंप करने का सोचा, फिर मैंने कहा क्या ही जंप करे, वैसे वही नहीं थी ऐसे बोल रहा हूँ, स्पॉट हुआ नहीं बंदा उससे पहले, इन्होंने नॉक कर दिया भाई फुल बूम बाम लोग, ये फिर जैसे ही इन्होंने नॉक किया आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट एक और बंदा होगा ना, मतलब नॉक हुआ है तो फिनिश तो हुआ नहीं वो, सो आई वाज ट्राइंग टू मैं बंदा ढूंढ रहा था बट ये रिज ग्लिच हो रखा है, मैं बंदा देख रहा हेड शॉट मार रहा भाई लग ही नहीं रहा उसको शॉट, कितने ही शॉट मार दिए मैंने, फिर अपन ने सोचा शैक में होगा बंदा, ये अपन ने ट्राई किया फुल एपेक्स चलाने का और अपन से चलता नहीं होगा ज़्यादा बढ़िया, उसके बाद गेट थोड़ा फिर मेरे को राइट में एकदम वियर्ड सी साउंड है, मेरे को लगा राइट में बंदा, पर मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं था, मेरे को पता था लेटा हुआ है, और मैंने ये स्नैक्स को कॉल दे दिया था ठीक है, तो वो लोग बैकअप में आ ही गए थे, उसके बाद मैं गया, उसके बाद जैसे ही मैं गया ये बंदा लेटा हुआ था यहाँ पे, और मैंने एकदम एक्यूरेटली मार्क कर लिया, और जैसे ही मैंने मार्क किया एकदम ट्रेड आ गया अपना बूम बाप, और ये स्नैक्स ने स्मोक किया मेरे को रिवाइव देने के लिए, बट आई डोंट नो ये बहुत गलत डिसीजन था मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि अपन बहुत ओपन में रेव ले रहे हैं, और फिर भी पर ठीक है कुछ नहीं, किसी ने मारा नहीं तो सही है, कोई गलत डिसीजन नहीं होती इस गेम में ऐसे, तो यहाँ पे अब मैं रिवाइव हुआ फुल बूस्ट वूस्ट हो रहा, हम ढूंढ रहे बंदे कहाँ हैं, 7 बंदे, मैं पूछ रहा कि वो एक बंदा जो बचा था उसका क्या हुआ, तुमने किल मिला कि नहीं, तो हम वही लुकआउट कर रहे थे बंदों के लिए कहाँ पे बंदे कहाँ नहीं है, सो बस यहाँ पे, और स्नैक्स को वेस्ट चाहिए थी तो मैंने वेस्ट माफ की एक्चुअली यहाँ से लेवल 3 वेस्ट मैंने उठा ली, और मैंने बोला कि लेवल 3 वेस्ट भी नीचे है ले ले तेरे को चाहिए, तो उसके बाद अपन ऊपर की साइड गए, वेस्ट लेवल 1 भी मिले वो ना, वेस्ट डैमेज थी स्नैक्स ने ये बोल रहा हूं, वो जल्दी खुल मैंने वेस्ट बताई अभी स्नैक्स को, बट स्नैक्स बोल रहा है वेस्ट डैमेज्ड है, फिर मैं ढूंढ रहा दूसरे क्रेट मिल जाए कहीं ना कहीं, फिर अपन घूमते गए मतलब लूट के लिए तरसते गए एक्चुअली, वैसे जरूरत थी नहीं, ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने लगा ऊपर चढ़ के देख रहे हैं, यहाँ पे लेवल 2 की वेस्ट मिल गई तो मैंने स्नैक्स को कॉल दे दिया, इसमें से वेस्ट उतार ले, फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ उठा लूँ, और मैंने फर्स्ट एड किट्स उठा लिए, और यहाँ पे आ गए अपन, और M4 निकाली ट्राइंग टू स्पॉट एनीवन, बट कोई स्पॉट ही नहीं हो रहा था फुल बूम्बा, मतलब अपन ने तो सब क्लियर कर लिया था, और हिल पे लास्ट बंदा दिखा था, उसके बाद दिखा नहीं मेरे को बंदा, फिर मैं स्क्वाड हाउस में स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था, मेरे को दिखा नहीं, उसने फ्लेयर यूज कर रखी थी वो भी आ रही थी, मैंने देखा और ना कहीं स्पॉट होते हैं, पर कोई स्पॉट हुआ नहीं।
फिर मैं इधर ऊपर रोक देता रेलिंग हूँ। रेलिंग पे एनिमीज चढ़के अहेड। बंदर स्पॉट करने का ट्राई कर रहा, बट कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर अपन नीचे कूदे, जब तक देखा लेकिन कि स्क्वाड पीछे हाउस में कहीं चले कहीं ना गए कहीं बंदे कहीं ना एनिमी कहीं वाले। गैरेज वैरेज घूम रहा हूँ मैं, हाँ मतलब स्क्वाड हाउस में। खड़ा तो रहा नहीं जाता। और स्नैक अरे में जैसे डैडी ही नॉक बोलते किया, क्या फुल करते जोश हैं में आ गया, भाई, डैडी बड़े बड़े बोलते बंदे डैडी बोलते बोलते हैं करने लग गया। भाई, फिर अपन आए गाड़ी पे, भाई गाड़ी में थोड़ा बैठ, हार्ट मैंने बीट बंद कहा कर आ दे, जा कुछ तू ऐसे मारना मत पुश करना। करते हैं। गाड़ी में बैठे और यहाँ पे ये हमारा नंबर जो 2 है वो भी एक रैंडम था लेजेंड। स्क्वाड हाउस में ही है नंबर 2 नहीं, एक्चुअली नंबर 4 है वो भी रैंडम था। उसके बाद हमने पुश किया घर पे। तो इस घर पे क्या सीन था, मेरे को इस घर में कोई फुटस्टेप नहीं आए थे, फुटस्टेप नहीं आया, पर मैं पुश कर दिया और मेरे को यहाँ पे कॉर्नर में एक्चुअली बंदा दिखा था, पर मैं घूम गया था। फिर मैंने इसको नॉक किया, पीछे एक और बंदा था, वो स्नैक्स ने नॉक कर लिया। गया फिर पीछे आ गया। अपन, मैंने कहा रुक पे चढ़ जाता हूँ, ऊपर फुल एंगल मिल जाएगा अपने को, उसको जस्ट रिवाइव मिला ही होगा अभी। तो मैं यहाँ पे आया, मैं सोच रहा था नेट डालता हूँ सीधा एकदम बीच में स्क्वाड हाउस के, यहाँ पे नेट कुक कर रहा था, आई बटन यूज़ नहीं किया मैंने एक्चुअली, अभी ज़रूरत नहीं थी। और वो बंदा ऊपर आ गया, मैंने एकदम उसके मुंह पे नेट कर दिया और वो नॉक मर हो जा गया। जी उसके बाद मेरे जी को, मैंने उसको फिनिश कर दिया, अपन अरे भाग अटक चले गया ना गए। और बंदा। ये छोटी और फुल बूम बाम, ठीक है इजी चिकन आ भाई, गया फोन छोटा को, बंदा भाई, 17 किल्स मिल गए फुल बूम बाम। पर लेट्स एमबीपी गो, वाला मजा स्कैम आ गया फिर भाई, भी हो गया टाइम अपने पास। साथ, अरे स्नैक्स को एमबीपी दे दिया दल्लो ने, पबजी वालों ने। भाई क्यों करते हो हाँ ऐसा कहीं मेरे पे को भी ये करते हैं, बताओ, कहीं पे क्या भी करते मिलता हैं है भाई। आपको ये सब करके भाई। मारा उसको ये फिर भी अपने बंदा 49+ हुए, भाई। देखो क्राउन में एकदम अरे बूम लेट्स बाप गो, नई मजा आ सीजन गया में। भाई, चलो फिर लेट्स अपन गो भाई, एमबीपी ट्वेंटी बने नहीं, फोर पर ट्वेंटी अपने फोर किल्स और ट्वेंटी डैमेज सब फोर ज्यादा था। तो बस यही है इस वीडियो के लिए, बाय बाय गाइस। हाल खराब, टेंशन है फिर भी मजा देखा कितने जरा। गाने बकचोदे से बातें ना छोड़ दे, वरना मैं बातें वो सुन ले तू गौर से, नहीं है मैं छुट्टे ले ले किसी और से।